Samara Payame. Om Kandat, Kandat Rohan. Nanabhya. Nevedyam. मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष में जो राजनीति करने वाले लोग हैं गैर भाजपा दलों के लोग, वह जानबूझकर के इस विषय को, और जो भी यहाँ के मुसलमान हैं, यहाँ के सभी मुस्लिम हमारे पूर्व में इनके पूर्वज हिंदू रहे हैं और हमारी बात ना मानिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के तमाम वो लोग जो मुसलमानों को भड़काते हैं दुनिया में, आप कंबोडिया में देखेंगे, इंडोनेशिया जो 100% मुस्लिम राष्ट्र है उसके जो मुद्रा है उस मुद्रा पर गणेश जी की मूर्ति है, उनके गरुण एयरवेज उनके एयरलाइंस का नाम है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लोहिया ने 3 अक्टूबर 1967 को कहा था कि भारत के मुसलमानों के हम मानना पड़ेगा कि गजनी गोरी बाबर अकबर सभी लुटेरे थे, हमलावर थे, राम और कृष्ण हमारे पूर्वज थे, यहाँ के मुसलमानों से हम लोग आग्रह करते हैं वह दुर्भावना में नहीं आए, 20-22 पीढ़ी पहले सभी के सभी लोग हिंदू थे, डर से भय से लालच से सभी लोग तलवार के डर से संपत्ति पाने के लालच में मुसलमान बने हैं, लेकिन वह राम के प्रति अपनी मर्यादा को अपनी भावना को न भूलें और राम मंदिर का मार्ग कहीं से भी रोकने का प्रयास न करें। हम लोग मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कि यह बहुत ज्वलंत विषय है, 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की भावना और आस्था इससे जुड़ी हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट यथाशीघ्र सुनवाई करके और मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। क्या विधायक जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है कहीं ना कहीं हिंदू था और हिंदू से ही परिवर्तित हुआ, बिल्कुल, तो जितने मुसलमान हैं वो क्या हिंदू हैं? बिल्कुल 100% जितने मुसलमान हैं, अगर इनके पास कोई लेखा जोखा हो, 20-22 पीढ़ी पहले सभी के सभी लोग मुसलमान थे, अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, अंतिम जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर उनके शासन काल में जबरिया लोगों को जजिया कर जिसको ना देना पड़े, अगर आप 4 भाई हैं तो 2 हिस्सा कर दिया जाएगा, 3 हिस्सा 1 भाई ले जाए, 3 हिस्सा 3 भाई 1 हिस्से में, और अगर आप मुसलमान बनते तो आधा हिस्सा आपको मिलेगा, इस लालच में तलवार के बल पर अनेक लोगों को मुसलमान बनाया गया। उन सभी लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं अपने मूल को ना भूलें, राम